स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो किस तरीके से आप पासपोर्ट रीशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, क्रॉस पे क्लिक कर लेते हैं। अब अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आपके पास है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास लॉगिन आईडी या यूजर आईडी नहीं है, रजिस्ट्रेशन अभी आपने नहीं किया है तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं नोएडा में रहता हूँ तो जो मेरा पासपोर्ट ऑफिस है वो गाजियाबाद है, तो गाजियाबाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अगर वहीं अगर आप दिल्ली में रहते हो, पासपोर्ट ऑफिस आपका दिल्ली है, सिंपली यहाँ पर दिल्ली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारे केस में गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस लगता है तो गाजियाबाद यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा अपना, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी को ही अगर आप लॉगिन आईडी रखना चाहते हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा, तो ईमेल आईडी ही यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। अगर आप कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी रखना चाहते तो वो भी आप रख सकते हैं। जैसे हम अगर रखना चाहे मोहन गुर्जर, इस तरीके से रखना चाहे, चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी हम चेक कर लेते हैं कि ये अवेलेबल भी है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लॉगिन आईडी पहले से ही किसी ने बुक कर रखे, पहले से ही किसी ने ले रखी है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं मोहन गुर्जर 2025। आप बर्थ ईयर भी डाल सकते हो, कुछ भी आप डाल सकते हो। चेक अवेलेबिलिटी पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है, इसका हम यूज कर सकते हैं। अब पासवर्ड यहाँ पर डाल लीजिए। पासवर्ड किस तरीके से आपको बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं, स्टार्टिंग का जो है वो कैपिटल में हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग का एम हमने कैपिटल में कर लिया, बाकी का ओ एच एन स्मॉल में, स्पेशल करेक्टर न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं इसको। उसके बाद जो आपने पासवर्ड यहाँ पे डाला है सेम वही पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा। यहाँ पे हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी हिंट क्वेश्चन आप रखना चाहते हो। अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है तो हिंट क्वेश्चन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हिंट आंसर आप डाल लीजिए। जो भी आप जैसे बर्थ सिटी हमने सेलेक्ट किया है तो बर्थ सिटी यहाँ पे डाल लेंगे। उसके बाद ये जो वेरिफिकेशन कोड है, ये जो कैप्चा है, इसको यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पर डाल देते हैं और रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। अब इस तरीके से आ जाएगा, जो आप की ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक चला गया है passport.admin की तरफ से, उस पर क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगी, इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे जो लिंक है क्लिक इस पर कर दीजिए। अब इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे वो यूजर आईडी या लॉगिन आईडी आप डाल दीजिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने डाली थी। अगर ईमेल आईडी को ही आपने लॉगिन आईडी बनाया था तो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिए। अगर वहीं कोई दूसरी लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आपने बनाई थी तो वो यहाँ पे डाल के सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे हमने अपने केस में मोहन गुर्जर 2025 डाला था तो वो यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से आ जाता तो अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे, या होम पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे ही होम पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आ जाता है। अब एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन आईडी या यूजर आईडी आप डालिएगा जो अभी आपने एक्टिवेट की थी। जैसे हमने एक्टिवेट किया मोहन गुर्जर 2025, तो वो यहाँ पर डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये डिटेल डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रीइश्यू पासपोर्ट, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, तो जैसे पहले से ही आपके पास पासपोर्ट है तो उस केस में रीइश्यू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आखिर आप क्यों रीइश्यू करना चाहते हैं। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो तो उस केस में चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक कीजिए।
पासपोर्ट अगर डैमेज हो गया तो यहाँ पे क्लिक करें, और एग्जॉस्ट ऑफ पेजेस है तो यहाँ पे क्लिक करें, पासपोर्ट लॉस हो गया है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। वहीं अगर पासपोर्ट को एक्सपायर हो हुए 3 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है तो उस केस में यहाँ पे क्लिक करें, और वहीं अगर आपका पासपोर्ट 3 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जैसे हमारा पासपोर्ट जो है 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल एप्लीकेशन के तहत आप प्रोसीड करना चाहते हो या तत्काल के तहत करना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बुकलेट टाइप 36 पेज की बुक से आपका काम चल जाएगा या 60 पेज की जम्बो बुक चाहिए, तो जैसे 36 पेज की बुक से हमारा काम चल जाएगा, 36 पेजेस पर हमने क्लिक कर दिया। वहीं अगर आपको जम्बो बुक चाहिए 60 पेज की तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो इस केस में 500 रुपये एक्स्ट्रा जाते हैं, तो हम 36 पेज पे ही क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे डिटेल आप डाल लीजिए, एज पर पासपोर्ट डिटेल आप डाल सकते हो। अगर आपने कुछ चेंज किया है तो जो भी आपकी नई डिटेल है वो आप डालिएगा। तो यहाँ पे गिवन नेम डाल लेंगे, यहाँ पे सरनेम डाल लेंगे। अगर आपके पासपोर्ट में ओनली गिवन नेम ही है, सरनेम वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक है, तो उस केस में गिवन नेम अपना यहाँ पर डाल दीजिए। और वहीं पासपोर्ट में अगर आपका गिवन नेम और सरनेम दोनों वहाँ पे मेंशन हो रखा है तो गिवन नेम यहाँ पे डालिएगा, सरनेम यहाँ पे डालिएगा। अगर आपने कुछ चेंज किया है तो जो भी नई डिटेल है वो आप डालिएगा, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करने होंगे जिस डेट का भी आप अपॉइंटमेंट लोगे उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस में। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी है मेल फीमेल है जो भी जेंडर वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप अदर नेम से भी जाने जाते हो तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक करें। अगर आपने नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, वो जो पुराना नाम वो यहाँ पे डालिएगा। अगर आपका पुराना और नया नाम सेम ही है तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल दीजिएगा, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी बर्थ प्लेस आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे डाल लीजिएगा, जो भी मैरिटल स्टेटस है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सभी डिटेल आप डाल लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे पैन नंबर डालिएगा, पैन अगर आपके पास है तो वो आप डालिएगा। ये जो यहाँ पे देख रहे हो स्टार मार्क जो हो रखे हैं ये सभी मैंडेटरी है, इसके अलावा जो स्टार मार्क नहीं हो रखे ये ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहे डाल सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप यहाँ पे डाल लीजिए। अब यहाँ पे माइनर के केस में अगर पेरेंट या स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक करें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी क्वालिफिकेशन एप्लीकेंट की वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस या नो हो जाता है। अगर क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है तो उसके बाद ये नो पे क्लिक होता है। अगर आपको नॉन ईसीआर चाहिए, क्वालिफिकेशन अगर 10th से नीचे है तो उस केस में डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट है अगर आपके पास तो आप इसको यस कर सकते हो, ठीक है जी। वहीं एप्लीकेंट की एज अगर 50 से ऊपर है तो उस केस में ऑटोमेटिक ही यस हो जाता है, एज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ही ये यस हो जाता है। उसके बाद जो भी आइडेंटिटी मार्क्स है वो यहाँ पे डाल लीजिएगा, ठीक है। पहचान चिन्ह जो भी है वो यहाँ पे डाल लीजिएगा, आधार नंबर भी है अगर तो वो यहाँ पे डाल लीजिए। अगर आप इनको ब्लैंक छोड़ना चाहते हो वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद अगर आधार आपने डाला है तो यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आधार आपने नहीं डाला है तो सिंपली सेम आई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा, फादर नेम रनिंग में आप डाल सकते हो। अगर जैसे फादर नेम है रोहन सिंह गुर्जर तो रोहन स्पेस सिंह स्पेस गुर्जर यहाँ पे डाल सकते हो। अगर लास्ट नेम आप सरनेम में डालना चाहते हो सरनेम में आप डाल सकते हो, रोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा, गुर्जर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से माता जी का नाम डाल लीजिएगा, अगर जैसे माता जी का नाम अगर रीना देवी है तो रीना यहाँ पे आ जाएगा, देवी यहाँ पे आ जाएगा। अगर रनिंग में भी आप डालना चाहते हो रीना स्पेस देवी वो आप डाल सकते हो, क्योंकि पासपोर्ट में जो प्रिंट होके आएगा उसमें सरनेम का अलग से एंट्री नहीं होती पेरेंट डिटेल्स में, तो आप रनिंग में भी डाल सकते हो या फिर
लास्ट नेम अगर सरनेम में डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद ये डिटेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे एड्रेस की डिटेल डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है वो प्रॉपर यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो सिटी है आपकी वो यहाँ पे डाल लीजिएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो डिस्ट्रिक्ट जो भी लगती है एड्रेस के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी पुलिस स्टेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी पुलिस स्टेशन आपका लगता है वो सेलेक्ट करके पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा, और सेकंड मोबाइल नंबर भी अगर डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस भी है आपका तो यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, परमानेंट एड्रेस की भी डिटेल इस तरीके से डाल दीजिएगा। प्रेजेंट और परमानेंट अगर एड्रेस आपका सेम है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये डिटेल जो प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल है वो आप डाल लीजिए। और एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इनमें से अगर कोई सा भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है जी। उसके बाद ये सभी डिटेल डाल के सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब ओके भी क्लिक कर लेते हैं। अब कन्फर्मेशन के लिए आ जाता है, ओके भी क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देते हैं, नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, सेव माई डिटेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल डाल देंगे, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे, किस डेट में इशू हुआ है पासपोर्ट वो यहाँ पे डालेंगे, किस डेट में एक्सपायर हुआ है वो यहाँ पे डालेंगे, और किस प्लेस से इशू हुआ है पासपोर्ट वो यहाँ पे डाल देंगे, फाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। ये सभी डिटेल आपको पासपोर्ट में मिल जाएगी, जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज है फोटो वाला उसमें आपको ये डिटेल मिल जाएगी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायर, प्लेस ऑफ इशू, और जो फाइल नंबर है ये जो पेरेंट डिटेल है उसमें नीचे की तरफ आओगे तो वहाँ पे फाइल नंबर आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, जो आपने पासपोर्ट डिटेल ऊपर डाली है अगर इसके बाद भी आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, फाइल नंबर लग चुका है, तो उस केस में यस पे आपको क्लिक करके फाइल नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ अप्लाई यहाँ पे डालनी है, किस डेट में आपने अप्लाई किया था और किस पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया था वो यहाँ पे डालिएगा। अगर जो भी पासपोर्ट डिटेल आपने डाली है उसके बाद अगर आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं की है, या फिर अगर आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन प्रोसीड भी की है लेकिन फाइल नंबर नहीं लगा है, तो उस केस में सिंपली नो पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ये डिटेल डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं ये सभी डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत न हो, क्योंकि बहुत से इन डिटेल्स को नहीं बताते। अगर आपने गलत तरीके से एप्लीकेशन प्रोसीड कर दी तो आपकी बाद में एप्लीकेशन फंस जाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप में से कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे होते हैं कि सर अगर फाइल क्लोज हमने करा दी तो वो फाइल नंबर हमको लिखना जरूरी है, तो हाँ आपको लिखना जरूरी है। अगर आपने फाइल नंबर क्लोज कराया भी है तो उस केस में यहाँ पे आपको लिखना है, इस पे क्लिक करके फाइल नंबर यहाँ पे डालोगे, डेट ऑफ अप्लाइंग यहाँ पे डालोगे, किस पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया तो वो यहाँ पे डालिएगा, ठीक है जी। अगर आपके केस में ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा आप देखिएगा, लेकिन जो भी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से फिल कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब अदर डिटेल का पेज ओपन होके आ जाता है, एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग यस या नो पे आप क्लिक कर लीजिए। तो हमारे केस में जो एप्लीकेंट है उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तो नो पे क्लिक कर लिया, और ना ही एप्लीकेंट कन्विक्टेड है बाई कोर्ट इन इंडिया, और ना ही एप्लीकेंट का जो पासपोर्ट है वो रिफ्यूज या डिनाई हुआ है, तो उस केस में नो पे क्लिक कर लेंगे। एप्लीकेंट ने ना ही किसी ग्रांट जो फॉरेन सिटीजनशिप है उसके लिए अप्लाई किया है, ना ही ग्रांट हुआ है, तो उसके इसमें नो पे क्लिक कर लेते हैं। एप्लीकेंट
इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया रिटर्न नहीं हुआ है तो नोनो पे क्लिक कर लेते। तो अपने केस में एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग यस या नो पे क्लिक कीजिए, तो हमारे केस में सभी भी नोनो है तो इसलिए नोनो पे हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन होके आ जाती है, इसमें आप डिटेल देख लीजिएगा सब कुछ सही है तो उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। हमारे केस में सब कुछ डिटेल सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बर्थ प्रूफ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी बर्थ प्रूफ है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, जो एप्लीकेंट है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रेजिडेंशियल जो एड्रेस प्रूफ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप एड्रेस प्रूफ रखना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास है प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे जो प्लेस है एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ डाल दीजिए। आई एग्री वाला बॉक्स है, इस पर क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी, सब कुछ डिटेल आप उसमें देख लीजिएगा। अगर सभी डिटेल ठीक है तो सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अगर कुछ डिटेल आपसे गलत डल गई है तो प्रीव्यू पे क्लिक करके पीछे जाते रहिएगा और जो भी आप करेक्शन करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो। इस पेज पे ऊपर की तरफ आओगे, जो एप्लीकेंट होम वाला सेक्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद सेव फॉर्म पे क्लिक करोगे, व्यू सेव्ड वाला जो सबसे ऊपर ही दिख जाएगा उस पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन आपकी दिख जाएगी, उसको सेलेक्ट करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रोसीड करके नेक्स्ट पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो, जहाँ पे भी आप करेक्शन करना चाहते हो। और सब कुछ अगर सही है तो नेक्स्ट करते हुए इस पेज पे आओगे, उसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे। जैसे सबमिट करोगे इस तरीके से आ जाएगा, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो सर्कल है इस पे क्लिक कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करें, अब यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए, किस पासपोर्ट ऑफिस का आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे डालिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट कब के बुक हो रही है। इसी डेट का अगर आप बुक करना चाहते हो तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। अगर आप किसी दूसरी डेट का बुक करना चाहते हो तो ये जो कैलेंडर, इस पे क्लिक करके जो भी ग्रीन डेट है उनमें से किसी भी डेट को सिलेक्ट करके पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके बुक आप कर सकते हो। तो जो ये डेट चल रही है इसी डेट का मैं अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता हूँ तो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपको पेमेंट भी दिख जाएगा, आपके केस में कितना पेमेंट आपको करना है। तो अपॉइंटमेंट करने के लिए और पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरीके से आ जाता है, ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरीके से आ जाएगा, स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, किसके नाम पे कार्ड है, कार्ड नंबर यहाँ पे डालें, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालें, CVV की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डालें, पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें, जो मोबाइल लिंक है कार्ड से उस पर OTP चला गया, OTP यहाँ पे डाल कन्फर्म पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। इस पेज पर आप 10 सेकेंड वेट कर सकते हो या क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हो। अब ऑटोमेटिकली अपॉइंटमेंट बुक होके भी आ गया है, बाकी जो आपका मोबाइल है उस पर भी अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड SMS चला गया होगा। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट किस तरीके से निकाल सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, अब यहाँ पे आपको डेट टाइम वो सब दिख जाएगा, पेमेंट आपको दिख जाएगा कितना आपने पेमेंट किया है। बाकी अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड SMS अगर आपके पास नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट SMS पे क्लिक करके SMS आप प्राप्त कर सकते हो। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो, डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट आप निकाल सकते हो।
डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और जो मोबाइल जिस पे एसएमएस आया है अपॉइंटमेंट डिटेल का वो मोबाइल लेके जाना है, करंट एड्रेस प्रूफ और जो आपका पासपोर्ट है वो लेके जाना है। बाकी यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट एडवाइजर पे क्लिक करोगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट टाइप जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे जो पासपोर्ट में एड्रेस है अगर सेम वही एड्रेस है तो नो पे क्लिक करें, अगर एड्रेस अलग है तो उस केस में यस पे क्लिक करें, और एप्लीकेंट नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है तो यस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है नॉन ईसीआर का वो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, या इस पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे री इशू का रीजन सेलेक्ट कर लीजिए, क्या रीजन है उसका, 1 साल के अंदर अगर एक्सपायर होने वाला है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, और अगर एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद विद इन 1 ईयर बिफोर एक्सपायर यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो ओल्ड पासपोर्ट है उसके फर्स्ट 2 पेज और लास्ट 2 पेज की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड, आपके सिग्नेचर, एप्लीकेंट के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, और जो पासपोर्ट है ओरिजिनल वो भी आपको लेके जाना होगा। अर्जेंट एड्रेस प्रूफ, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। नॉन ईसीआर कैटेगरी अगर 10th पास हो आप तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, और अगर 10th पास आप नहीं हो और उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लिक करोगे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी, क्या क्या एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट नॉन ईसीआर के लिए। बाकी अगर एज 50 से ऊपर है तो वो ऑटोमेटिकली यस हो जाता है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, ऑल पर्सन अबोव द एज ऑफ 50 है, तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा या जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है या उनसे भी काम चल जाएगा, ठीक है, अगर एज 50 अबोव है तो उस केस में। एड्रेस प्रूफ में अगर आप आधार लेके जा रहे हो तो जो आधार कार्ड है आपका उसके साथ साथ ई आधार भी आप लेके जाइएगा, और ई आधार आपको वेरीफाई वाला होना चाहिए, टिक उस पर लगा हुआ होना चाहिए, वैलिडेट ई आधार होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होना चाहिए, वैलिडेट वाला होना चाहिए। उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आप डालोगे वैलिडेट, आप यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे हम डालते हैं वैलिडेट उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये आधार होना चाहिए आफ्टर वाला जो टिक लग के आ रहा है, इसके लिए इस वीडियो को आप देख सकते हो, तो इसमें पूरा प्रोसेस हमने बताया हुआ है किस तरीके से आप ई आधार वेरीफाई कर सकते हो। तो जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं इसके अलावा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके पास तो वो आप लेके जाइएगा जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है, और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होगी, अगर आपकी जो एप्लीकेशन है वो नॉर्मल कैटेगरी वाली है तो पुलिस वेरिफिकेशन होगी, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, उसके बाद अगर आपका सब कुछ ठीक रहता है तो पासपोर्ट कुछ ही दिनों में आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो ये पूरी जानकारी है जी, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, पासपोर्ट पासपोर्ट रिलेटेड जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है वो सभी आपको दिख जाएगी, चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, तत्काल, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी सोशल साइट पर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। कोई आपका डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।